पीएम मोदी द्वारा कृषि कानून वापस लेने के बाद विपक्षी खेमे में हलचल तेज हो गई है। उनके हाथ से सबसे बड़ा सियासी मुद्दा छिन गया है, लिहाजा वो नए नए पैतरे आजमाकर सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव जीतने का सपना देख रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को जोरदार झटका लगा है। प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ उनके करीबी और बागी कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने मोर्चा खोल दिया है। अदिति सिंह प्रियंका गांधी पर जमकर बरसी हैं। उन्होंने कृषि कानून की वापसी के बाद प्रियंका गांधी के पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने के बाद पार्टी महासचिव प्रियंका को घेरा है। साथ ही प्रियंका पर इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया है। अदिति सिंह ने प्रियंका पर आरोप लगाया कि जब कृषि कानून लाया गया तब भी प्रियंका गांधी को समस्या थी और जब निरस्त कर दिया गया है फिर भी समस्या है। उन्होंने प्रियंका गांधी से पूछा है कि आखिर वो चाहती क्या है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रियंका गांधी इस पूरे मामले पर सिर्फ राजनीति कर रही है। विधायक ने कहा कि प्रियंका गांधी के पास राजनीतिक मुद्दों का अभाव है, वो लगातार हर मुद्दे पर राजनीति कर रही है। लखीमपुर खीरी हिंसा और दूसरे मामलों में भी उन्होंने प्रियंका पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने पहले भी लेटर लिखकर हमला बोला था। उन्होंने प्रधानमंत्री से अजय मिश्र टेनी को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाए जाने की मांग की। प्रियंका ने कहा कि आपको ये जानकारी भी है कि किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलने का मुख्य आरोपी आपकी सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है। राजनीतिक दबाव के चलते इस मामले में यूपी सरकार ने शुरुआत से ही न्याय की आवाज को दबाने की कोशिश की है। इसके बाद अदिति सिंह ने प्रियंका पर पलटवार किया है। आपको बता दें कि अदिति सिंह कभी प्रियंका गांधी की बेहद करीबी थी, लेकिन हाल के दिनों से वो कांग्रेस पर हमलावर रही है। खबरों की माने तो अदिति सिंह कांग्रेस को अलविदा कह सकती हैं, हालांकि अभी तक उन्होंने इसकी घोषणा नहीं की है। लेकिन कृषि बिल पर अपनी पार्टी और महासचिव को घेरकर उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।